हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आज हम आपको ऐसा स्टॉक का मतलब दोस्तों हिंदुस्तान फूड के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ही होगा थंबनेल में, दोस्तों हिंदुस्तान फूड एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो कि भागेगा दोस्तों, तो उसको कोई पकड़ना मतलब क्या है दोस्तों, वहाँ पर फिर इजिली रिटेल इन्वेस्टर जा सकते हैं, मतलब चले ही जाते हैं दोस्तों, बोलना क्या है दोस्तों, और जब ये गिरने लगता है दोस्तों बेच के निकल लेते हैं दोस्तों। चलिए हम एक बार उनके को देख लेते हैं, फिर आपको कहेंगे दोस्तों क्या करना है। ओके दोस्तों, हम आपको इनके बारे में एक वार्निंग देना चाहते हैं दोस्तों। वार्निंग ये है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जितना भी लगाना चाहते हैं दोस्तों लगा लो, सबसे ज़्यादा रिस्की कंपनी होने का मतलब दोस्तों ये है कि एक मिड कैप टाइप का कंपनी है दोस्तों। देखिए, 4000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है दोस्तों, जो कि 1940 का करंट प्राइस है दोस्तों, जो है 2525 रुपये का हाई है दोस्तों, 1623 रुपये का लो है। ओके दोस्तों, चलिए हम एक बार इनके चलिए दोस्तों हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, हम फटाफट 2010 से 2, 4, 5, 6, 7, 4, 8, 13, 11, 12 और 13 दोस्तों देखिए क्वार्टर रिजल्ट जो है कि उसी रेंज में दोस्तों। देखिए, छोटी कंपनी है दोस्तों, तो इनके पास जो है कि वैसे ही दोस्तों इनके प्रॉफिट भी रहेंगे। ओके, चलिए दोस्तों हम एक बार PNL को देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आ जाते हैं 2010 से PNL को इनके एक बार हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, 2010 से। ओके, 2010 से PNL में सीधा हम नेट प्रॉफिट पे ही आ जाते हैं। ओके, देखिए पहले कंपनी माइनस में थी, फिर जीरो, फिर 2 करोड़ का माइनस है, फिर 1 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर देखिए दोस्तों कैसा कंसिस्टेंसी, फिर 2 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर 6, 12, 23, 36, 47। देखिए दोस्तों, ये वाला जो ये पोजीशन चल रहा है दोस्तों, इस समय जो है कि अच्छे खासे कंपनी जो है कि रेवेन्यू जनरेट कर रही, प्रॉफिट जनरेट कर रही। ओके दोस्तों, रिस्की कंपनी यही है दोस्तों कि एक क्वार्टर में अगर इनके नंबर खराब हो गए तो इसलिए 25 से 30, 40, 50% करेक्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्तों एक बार हम इनके ऊपर और कुछ देख लेते हैं इनके। देखिए दोस्तों, ये छोटी कंपनी जैसा कि दोस्तों रिजर्व इनके पास 225 करोड़ का रिजर्व है दोस्तों, और 250 करोड़ का बोरिंग है। ओके, देखिए दोस्तों, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रमोटर ने भी दोस्तों पहले कितने थे दोस्तों, 61.887% थे, उसके बाद 62.62% हो गए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, फाइज ने दोस्तों जहाँ पे हर जगह सेलिंग आपको दिख रही है दोस्तों, वही पे यहाँ भी सेलिंग है। ओके दोस्तों, DIS ने इसमें दोस्तों कुछ माल को काटा है दोस्तों, पब्लिक ने वही माल को उठा लिया। ओके, चलिए दोस्तों हम अभी इनके सीधा चार्ट के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, करना क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम हिंदुस्तान फूड के ऊपर आ गए दोस्तों। हिंदुस्तान फूड दोस्तों ये देखिए 1948 रुपये दोस्तों, आज के दिन दोस्तों 4%, देखो दोस्तों ये इजीली भागता है, भागने का मतलब दोस्तों ये देखिए, इसने 2000 के लेवल को भी ऊपर हाई कर दिया दोस्तों, मतलब 2077 रुपये का मतलब दोस्तों ये बहुत तेज़ी से भागता है। ओके दोस्तों, देखिए जो स्टॉक जितना तेज़ी से भागेगा उतना तेज़ी से गिरता भी है। चलिए 5 दिन का देख लेते हैं दोस्तों, 3% रिटर्न दे रहा है दोस्तों, 1 महीने में दोस्तों 3.5% लॉस में है दोस्तों, 6 महीने में 4%। देखिए दोस्तों, इतना कोई खास दोस्तों इनके अंदर गिरावट नहीं, गिरावट का मतलब अप्स एंड डाउन्स है दोस्तों, लेकिन क्या है रिक्सी कंपनी। ओके, एक साल का एक बार देख लेते हैं दोस्तों, एक साल में दोस्तों 15% का रिटर्न लॉस में है दोस्तों, जो सॉरी माफी चाहेंगे 15% माइनस में दोस्तों, जो कि अभी एक साल में देखिए दोस्तों चार्ट कितने अप्स एंड डाउन्स है। ओके, चलिए 5 साल का देख लेते हैं, 5 साल में दोस्तों देखिए 5 साल में दोस्तों ये 400% की जो कंपनी रिटर्न देगी दोस्तों वो गिर रही दोस्तों, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, 30 से 35% गिर जाए तो 15% ही है। ओके, चलिए दोस्तों मैक्सिमम एक बार हम आपको दिखा देते हैं मैक्सिमम दोस्तों। दरअसल की 2019 में ही कंपनी आई हुई कंपनी है दोस्तों, लेकिन एक देखिए यहाँ पे दरअसल क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस है दोस्तों। ओके, यहाँ पे कोई बाइंग करने नहीं जाएगा, जब ये स्टॉक भागना चालू हो जाएगा दोस्तों वहाँ पे जो है कि आदमी पहुँच जाएंगे बाइंग करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलिए अब सारा करना क्या है दोस्तों, उसके ऊपर वीडियो को लंबा नहीं करते हैं दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं डिस्कस। देखिए दोस्तों, इसको आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो है कि होल्ड जिसके पास है होल्ड ही करें दोस्तों, मेन चीज़ लॉस में तो आपको नहीं बेचना है दोस्तों। उसके बाद जो है कि इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं दोस्तों, आप जाके वहाँ पे चेक कर लें, थोड़ा इनके बारे में एनालाइज करने की कोशिश करो। ओके, और हेजिंग भी आप चाहे तो कर सकते हैं दोस्तों, बुरी कंपनी नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, हम आपको वार्निंग देना चाहते हैं दोस्तों, आप इसमें ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो आपका बैलेंस जो है कि दोस्तों लॉस में हो सकता है। लॉस में होने का मतलब दो है कि इजिली 25 से 30% आपको जैसा कि हमने दिखा दिया दोस्तों ये गिर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।